कलेवा योजना की जगह नागौर कृषि मंडी में इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ कर दी गई है। दरअसल कोरोना काल में यहाँ पर कलेवा योजना चलती थी, लेकिन वो बार बार टेंडर निकालने पर किसी भी ठेकेदार ने हिस्सेदारी नहीं दिखाई, तो यहाँ पर जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर काम करने वाले मजदूर व हमामबा से आए किसानों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध करवाना है। इंदिरा गांधी रसोई योजना में 8 रुपए प्रति थाली किसानों व मजदूरों द्वारा यहाँ पर खर्च लिया जाता है। क्रमांक 781 कृषि उपज मंडी समिति नागौर के प्रांगण में चल रही है। इसका उद्घाटन 18 नवंबर 2022 को हुआ था। और इंदिरा गांधी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश मेन्यू के अनुसार दाल सब्जी और रोटी अचार के साथ ले जाती है। रोज सब्जी अलग अलग प्रकार सब्जी ले जाती है। अधिकतर मंडी के अंदर किसान आते हैं गाँव के मूँग बेचने के लिए या मूँग के खरीद के लिए, और किसान अपना माल बेचने के लिए मूँग बाद अलग अलग प्रकार के बाद बेचने के आते हैं। और यहाँ हमारे काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। और भी अन्य कोई गणमान्य नागरिक या कोई भी मजदूर शहर का कोई भी नागरिक आके यहाँ खाना खा सकता है। सभी को उचित मेन्यू अनुसार समय अनुसार खाना खिलाया जाता है। मेरा नाम राम प्रसाद किशु है, रसोई कृषि मंडी रसोई का संचालक हूँ। मंडी में 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है। इससे पहले किसान कलेवा योजना के लिए ये कैंटीन निर्धारित थी, परंतु पिछले वर्ष में हमने 2 बार इसके लिए विज्ञप्ति निकाली थी, कोई भी संवेदक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने यहाँ पर राज्य सरकार की ये योजनाएँ और कलेक्टर साहब ने इस संबंध में हमें निर्देश प्रदान किए, तो उसी के निर्देशों के क्रम में हमने किसान कलेवा के स्थान पर इंदिरा रसोई योजना चालू कर दी गई। और इसमें यहाँ पर आने वाले सभी मजदूरों को किसानों को पौष्टिक आहार बराबर मिलता रहता है, और जो भी समस्या होती है उसके लिए मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से समस्त सुविधाएँ माकूल रूप से दी जाती है। मैं यहाँ मंडी सेक्रेटरी हूँ नागौर कृषि उपज मंडी में, और यहाँ पर मैं सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। रघुनाथ राम,